नमस्कार दोस्तों, जीनियस स्टडी अपग्रेड की बिहार करंट न्यूज की तरफ से आज 26 जनवरी की ढेर सारी बधाइयाँ। आज ही के दिन अर्थात 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, संविधान लागू हुई थी और आज ही के दिन गणतंत्र भी घोषित हुआ। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के द्वारा दिए हुए पद्म अवार्ड के बारे में। टोटल राष्ट्रपति ने 106 अवार्ड दिए हैं, इसमें से सबसे पहले पद्म विभूषण टोटल 6, दूसरा भूषण 9 और पद्मश्री 91, टोटल मिला के हमारे हो गए 106। उसमें से 7 मरणोपरांत है, 7 में से 3 जो है विभूषण है, 4 है जो पद्मश्री है। अब महिला की बात करते हैं, टोटल 19 महिला इसमें शामिल है। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमारे लिए पद्म विभूषण जो 6 लोग को मिला है, पद्म भूषण जो 9 लोग को मिला, ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं पद्म भूषण के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं मुलायम जी हैं जो यूपी के रहने वाले हैं और इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है। दूसरा है बालकृष्णा है, आर्किटेक्चर से मिला इनको, ये गुजरात के रहने वाले हैं। और वेस्ट बंगाल के दिलीप महालैन बिस, ये जो है मेडिसिन के फील्ड में मिला है। ये ORS के घोल के बारे में आपने सुना होगा, 1971 के जो बांग्लादेश के साथ जो हमारा वार चल रहा था उसमें इन्होंने सैनिकों को 25 लाख से ज़्यादा सैनिकों को जान बचाई थी ORS का खोज करके। उसके बाद हमारा जाकिर हुसैन है आर्ट के फील्ड में महाराष्ट्र से। उसके बाद है MS कृष्णा है पब्लिक अफेयर्स कर्नाटका का है। और लास्ट है श्रीनिवास वर्धन, साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में इनको मिला और ये USA के हैं। अब हम बात करते हैं कि रैंकिंग के आधार पर कौन बड़ा कौन छोटा। तो हिंदी में अगर देखिएगा तो श्री छोटा है तो ये इसका रैंक छोटा होगा, और विभूषण सबसे बड़ा है, 4 अक्षर का है तो सबसे बड़ा रैंक होगा। इसीलिए देखिएगा कि विभूषण जो सबसे बड़ा रैंक है उसका नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होगा और श्री जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर 91 श्री है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द भूषण अवार्ड। हम भूषण अवार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टोटल 9 हमारे पास है। तो दिल्ली से बिलोंग करने वाले कपिल जी हैं, लिटरेचर में मिला है उनको। तमिलनाडु से बिलोंग करने वाले रवानी जी हैं, वो आर्ट से हैं संबंधित है। कर्नाटक से 2 बंदे हैं, एक भाई रप्पा हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, दूसरा सुधा मूर्ति हैं जो सोशल से जुड़े हुए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, बिरला जी हैं जो ट्रेड से हैं उनको मिला, दीपक जी हैं इनको साइंस से है, और सुमन जी हैं आर्ट से हैं। तेलंगाना से 2 बंदे हैं, दोनों स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, पहला कमलेश पटेल, दूसरा चिन्ना जी आर। बिहार से 3 लोग पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं और ये बिहार BPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला सुभद्रा देवी, दूसरा आनंद जी है और तीसरा है आपके कपिल देव। नाउ वी विल डिस्कस वन बाई वन। फर्स्ट वन इज हियर मधुबनी की सुभद्रा देवी, अपने प्यारे मधुबनी जिला की है जो मधुबनी कला के लिए फेमस है। इसके बाद आता है नालंदा के बसवान बिघा निवासी कपिल देव जी है, हैंडलूम यानी हस्तकरघा से बौद्ध धर्म का सिंबल चक्र का यूज करके ये 52 बोटी साड़ी बनाते हैं। इस साड़ी को GI टैग अगले साल तक मिल जाए। अगला नंबर है आपके आनंद सर का। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। आनंद सर, आप हमारे रियल लाइफ हीरो हैं, पूरे बिहार का इंस्पायरेशनल है। आपसे मिलने के लिए डायरेक्ट चलते हैं कुछ सवाल के साथ। क्या अब बिहार का गरीब का बेटा पद्म अवार्ड विजेता बन पाएगा? क्या बिहार फिर से विकसित बन जाएगा? बन जाएगा। ये आनंद कुमार जी हैं, ब्रिलियंट टीचर है, ये पढ़ाएंगे आज से आप लोगों को। इन्होंने पढ़ा दिया तो आप VIP लोगों की VIP एंट्री हो गई IIT में। आनंद कुमार, मास्टर ब्लास्टर, अब एक्सीडेंट कोचिंग में पढ़ाएं। ये चीटिंग है, चीटिंग है ये। तो किस्मत इन बच्चों के साथ जो किया वो क्या प्रतिभा दिए, साधन नहीं दिए, चीटिंग नहीं तो और क्या आशीर्वाद। राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। पिताजी क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं, कचरे का ट्रक चलाते हैं, नमक के फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। पिताजी लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, हमारी राम में सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दिए, लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती करती है, हमको सलाह छलांग लगाना सिखाती है। जब समय आएगा
सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे।